सर बिजली विभाग के द्वारा अंत्योदय योजना शुरू की गई है, जिसके द्वारा जो लोगों के बिल हैं उसको उसमें छूट दी जा रही है जिनको घर नहीं पा रहे हैं। क्या है पूरी योजना इसके बारे में? अंत्योदय स्कीम जो है उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से, 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए से कम है, जिनके परिवार पहचान पत्र में ये इनकम का ब्यौरा दिया हुआ है, उन लोगों के लिए हम स्पेशल स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई हुई है। उनको केवल साल का 3600 रुपये बिल भरना है, चाहे उसका बिल 5 लाख का है, 10 लाख का है, वो सारा बिल माफ हो जाएगा। लेकिन उसमें बस यही है कि उसकी कंजप्शन 150 यूनिट्स के पर मंथ के एवरेज पे होनी चाहिए और 1 लाख रुपए से कम उनकी इनकम होनी चाहिए। ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति है एरिया में तो आके हमारे से अपना परिवार पहचान पत्र दिखा के उसका लाभ उठा सकता है। इसके लिए हम जनता दरबार भी लगा रहे हैं गांव में जा जाकर, ताकि लोगों को सबको इसका अवेयरनेस हो और इसका बेनिफिट ले सके। इसके लिए मैं दोबारा बता दूं, जिन लोगों की 1 लाख या 1 लाख रुपये से कम सैलरी वार्षिक आय है, जो कि उनके परिवार पहचान पत्र में अंकित है और उनकी कंजप्शन 150 यूनिट से कम है, वो लोग, चाहे उनका 10 लाख का भी बिल है, तो वो बिल हम केवल 3600 रुपये 1 साल का लेके सारा बिल माफ कर देंगे। इसके साथ एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के जो कनेक्शन है उसको लेकर भी कुछ लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं, वो क्या है नॉर्मल? हाँ, हमने एग्रीकल्चर के जिन लोगों ने 2019 से 2021 के बीच में कनेक्शन अप्लाई किए थे उन लोगों को डिमांड नोटिस जारी किए थे 1/6/2019 को, और उनकी अंतिम तिथि 31/8/2023 को है। ऐसे 114 लोग थे, उनमें से 80 लोगों ने उनका बेनिफिट लिया, उन्होंने कंसेंट मनी 30,000 रुपये जमा करा दिया। अब हमने 25/8 को जो 34 लोग बैलेंस बाकी रह गए उनको दोबारा नोटिस दिया है कि वो अपना कंसेंट मनी जमा करा दें, ताकि ये जो स्कीम है इस टाइम गवर्नमेंट जितने भी एग्रीकल्चर के कनेक्शन है, खेतों वाले कनेक्शन है, उनको रिलीज करने के लिए हमारे को सख्त आदेश आए हुए हैं, उनको हमने रिलीज करना है। तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा जो 34 लोग हैं वो लोग भी इसका स्कीम का बेनिफिट उठा लें, अन्यथा उसके बाद उनका एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा। तो क्या कुछ उन लोगों को करना होगा अगर इस स्कीम का फायदा उठाना? उन लोगों को बस अपना जो 34 लोग बैलेंस रह गए हैं, बाकी रहे हुए हैं, उनको कंसेंट अपनी 30,000 रुपये जमा कराना है। उसके बाद हमारा जेई जाके मौके पे एस्टिमेट बनाएगा, जो उनको एक्चुअल कॉस्ट का खर्चा आएगा एस्टिमेट बनेगा, उस कॉस्ट में से 30,000 रुपये लेस करके बाकी पैसा जमा करा देंगे तो हम उनका कनेक्शन रिलीज कर देंगे। इसमें एक चीज़ और ये भी है, कुछ कनेक्शन थे जो हमारे राय पुरानी सब डिविजन के तहत जिन लोगों ने 2018 से पहले के पैसे पूरे जमा करा रखे हैं, उनका भी अभी हफ्ते के अंदर वर्क ऑर्डर होने वाला है। वो हमारे 50 कनेक्शन है, उनको भी हम जल्दी रिलीज कर देंगे। लगभग अक्टूबर में उनके कनेक्शन रिलीज होने स्टार्ट हो गए। इसके साथ ही जो आपके द्वारा व्हाट्सएप बनाए गए हैं उनमें भी जो जनता है वो शिकायत दर्ज कराती है, लेकिन मैसेजों की संख्या ज्यादा होने के कारण कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसको लेके आप क्या करेंगे? हाँ, हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं वो एक किस्म से हमारी पहल यही थी। मैं पहले पंचकुला में था तो हमने पंचकुला की तर्ज पे अपनी राय पुरानी को मतलब गांव का ना मान के हर आदमी का बराबर का राइट देते हुए ये व्हाट्सएप की तर्ज बनाई है, ताकि लोग घर बैठे अपनी कंप्लेंट करें। उसमें कुछ लोग बार बार मैसेज डालते हैं, मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा संयम रखें, जब बिजली जाती है तो थोड़ा संयम रखें और जो आपकी कंप्लेंट है, जो वाकई जो जेन्युइन चीज़ें हैं उनको डालें। अगर कोई पॉलिसी मैटर है, कई बार कहते हैं लोग जगमग की योजना है, ऐसा है, तो उसको आप अलग प्लेटफॉर्म पे अपने लेवल पे बात कर सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं, उसकी क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। ग्रुप में कई बार ऐसे लंबी डिस्कशन होने से हमारे को जो हमारे स्टाफ है काम करने में दिक्कत आती है, उनको मैसेज नहीं जा पाते और वो काम नहीं कर पाते, बिजली की सप्लाई को जल्दी उसको रिस्टोर नहीं कर पाते हैं। उनको इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि टू दी पॉइंट जो बिजली जा रही है, आ रही है या कोई और समस्या है उसको आप डाल सकते हो, या जो लोग मोरनी एरिया में दूर रह रहे हैं वो अपनी एप्लीकेशन भी फोटो इस पे डाल सकते हैं। जो लोग बिल्कुल आउटस्कर्ट पे रहते हैं, जो आना मुश्किल है, गरीब लोग भी हैं जो आने में दिक्कत है, वो अपनी एक एप्लीकेशन किसी से लिखवा के व्हाट्सएप पे डालेंगे, हम उस पर एक्शन ले लेते हैं
और उसके जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है उसके घर से कलेक्ट कर लेते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो जनता की समस्याएं सुनने को लेकर, इसको लेकर आपके द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है जनता की समस्याएं? इसके लिए हमने एक तो एवरी जो बृहस्पतिवार है हम 10 से लेके 2 बजे तक मैं अवेलेबल होता हूँ, ऑफिस के अंदर होता हूँ, और जो जनता दरबार लगा रहे हैं गांव में जा जाके, उसमें गांव में लोग आ सकते हैं कि हमारे को क्या प्रॉब्लम है। ऐसे हम मोरनी में भी लगाया था, कुछ लोगों ने वहाँ समस्याएं दी थी, जैसे मोरनी का काफ़ी दूर दराज का एरिया है तो वहाँ पर हमने पोल्स लगाने के लिए एस्टिमेट पास कर लिए हुए हैं, और कुछ पोल टूटे हुए थे। जैसे जब हम गाँव में गए तो लगभग इधर टिक्करताल साइड में भोजराजपुरा में 49 पोल हमारे को टूटे हुए मिले थे, हमने उनके एस्टिमेट पास करके उनको लगाना भी शुरू कर दिया, जिसमें से 12 पोल लग चुके हैं और बाकी पोलों का काम प्रोग्रेस पे चल रहा है।